सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, ए वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो आज के ओकेजन में हम सीखेंगे एक बहुत ही एनर्जेटिक सॉन्ग धूम मचाले का थीम। काफी इजी, आप इसको 2 मिनट में सीख लोगे। तो बिगनर्स उनके लिए काफी अच्छा लगेगा प्रैक्टिस करने के लिए, काफी अच्छा लगेगा आपको गिटार पे इसको प्ले करने के लिए। तो अगर आपको इसे रिटर्न में टैब्स चाहिए तो मैंने एक वेबसाइट पर प्रोवाइड किया acosta.com, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आप टैब्स को प्ले करके उसका टाइमिंग भी सुन सकते हो, तो उससे आपको उसको सीखने में काफी आसानी हो जाएगी। आप टैब्स को सुनना, उसका टाइमिंग भी आपको पता चल जाएगा आराम से, तो उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार जरूर चेक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जो गिटार प्ले कर रहा हूँ वह यामाहा का FC-110, काफी अच्छा गिटार है। अगर आपको गिटार को चेक करना है उसका लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप चेक कर सकते हो। मैंने काफी सारे कंपैरिजन वीडियो भी बनाया यामाहा, कॉट एंड फेंडर का, आप उसको भी चेक कर सकते हो, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग गिटार के लिंक्स मिल जाएंगे आपके बजट के हिसाब से, 3000 से लेकर 10000 तक आप जरूर चेक कीजिए एंड वहाँ पे आप उसको बाय भी कर सकते हो। तो अभी आज का लेसन स्टार्ट करेंगे। अगर ये लेसन आपको हेल्प कर रहा है जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है मैं आपको कितना हेल्प कर पा रहा हूँ। तो चलिए भी शुरू करते हैं। तो थीम बहुत ही ईजी, आप इसको 2 मिनट में सीख लोगे। आप टैब्स देख लो स्क्रीन पे, आपका स्टार्ट होगा लाइक दिस। पहला पार्ट काफी इजी है आपका स्टार्ट हुआ, सेकंड स्ट्रिंग 5th फ्रेट से। टैब्स देखो मैं स्लोली प्ले करता हूं। सेकंड पार्ट भी ऑलमोस्ट सेम है आपका, बस एंड होगा अलग नोट पे। यहां एंड हो रहा है इसका सेकंड पार्ट, तो दोनों पार्ट एक साथ ऐसा लगेंगे। थर्ड पार्ट पूरा सेम है फर्स्ट पार्ट जैसा ही। देन फोर्थ पार्ट आपका स्टार्ट होगा लाइक दिस। एंड होगा यहां पे लाइक दिस, थर्ड स्ट्रिंग 7th। पूरा स्लोली देखते हैं फिर से। तो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को एक साथ देख लेते हैं एक बार। तो इतना ही था इसका थीम, काफी अच्छा काफी हिट गाना है एंड काफी आपको मजा आएगा इसको सीखने में, काफी आपको अच्छा भी रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए गिटार पे। तो बिगनर्स इसको जरूर ट्राई कीजिए क्योंकि आपका फिंगर मूवमेंट इससे काफी अच्छा प्रैक्टिस होगा। तो आज के लेसन यहीं पे रखते हैं, अगर कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट लेसन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।